दोस्तों, पाकिस्तान टीम में लौड़ा दुनिया का नंबर वन बैटर जो अपनी खौफनाक बल्लेबाजी से मचाएगा वर्ल्ड कप में कोहराम। तो क्या है पूरी खबर की जानकारी, बताएंगे सब कुछ इस खास वीडियो में। उससे पहले अगर आप पाकिस्तान टीम के जबड़ा फैन है तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, वनडे वर्ल्ड कप 2023 के लिए टीम पाकिस्तान के 15 सदस्य स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें ऐसे ऐसे खतरनाक बैटर को शामिल किया गया है जो अपने अकेले दम पर हारे हुए मैच का रुख पलट सकते हैं। तो वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम में एक ऐसा नंबर वन बैटर को शामिल किया गया है जो वनडे फॉर्मेट के बादशाह हैं, जिनके आने से पाकिस्तान टीम पहले से ज्यादा अब और भी मजबूत नजर आ रही है। दरअसल वर्ल्ड कप 2023 का आगाज 5 अक्टूबर से भारत की सरजमी पर होने जा रही है, जिनमें दुनिया की टॉप बड़ी टीमें हिस्सा ले रही हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत के सरजमी पर खेला जाने वाला ये टूर्नामेंट 19 नवंबर तक खेला जाएगा। वहीं अगर बात करें पाकिस्तान टीम की, तो बीते शुक्रवार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम के 15 सदस्य की घोषणा कर दी है। दोस्तों, बता दें कि पीसीबी ने वर्ल्ड कप के लिए टीम पाकिस्तान में ज़्यादा बड़े बदलाव नहीं किए हैं। दोस्तों, पाकिस्तान टीम नसीम शाह, जो कि चोटिल होने के कारण एशिया कप और वर्ल्ड कप से बाहर हो गए थे, अब उनकी जगह पाकिस्तान टीम में हसन अली की वापसी कराई गई है। वो इनके अलावा तेज गेंदबाज की अगुवाई में एक बार फिर शाहीन अफरीदी करते नजर आएंगे। दोस्तों, शाहीन की अगुवाई में हारिस राउफ और मोहम्मद वसीम जूनियर वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में गेंदबाजी से आग उगलते हुए नजर आने वाले हैं। वहीं पाकिस्तान टीम के अगर बैटिंग की बात करें तो टीम पाकिस्तान में पीसीबी ने एक खौफनाक बैटर को शामिल किया है। दोस्तों, पीसीबी ने पाकिस्तान टीम में शाह शकील और अब्दुल्ला सफीक को पाकिस्तान टीम में एंट्री कराई है। दोस्तों, शाह शकील इस वक्त काफ़ी ज़्यादा शानदार फॉर्म में बल्लेबाजी कर रहे हैं। वहीं ऐसे में उनको पाकिस्तान टीम में शामिल करना पाकिस्तान टीम के लिए अच्छी साइन साबित हो सकती है। दोस्तों, आपको बता दें कि शाह शकील खतरनाक किस्म के बल्लेबाज हैं जो अपने अकेले दम पर हारी हुई बाजी को जीत में तब्दील करने की क्षमता रखते हैं। वहीं इनके अलावा टीम पाकिस्तान में बल्लेबाजी का जिम्मा फखर जमान, इमामुल हक, मोहम्मद रिजवान, इफ्तिकार अहमद, कप्तान बाबर आजम, अमान अली अका पे होगा। तो दोस्तों, आपके अनुसार और किस प्लेयर को वर्ल्ड कप के लिए टीम पाकिस्तान में मौका देना चाहिए था, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताएं।